नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस मुहिम में कि किस तरीके से आप अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी की मदद लिए, बिना कोई फ्रेंचाइजी फीस दिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप सैंडविच बनाएंगे। तो दोस्तों स्पाइसी कॉर्न सैंडविच बनाने के लिए आपको दो सॉस की जरूरत पड़ेगी, एक हमारी व्हाइट चीज ड्रेसिंग, ठीक है, वीवा की व्हाइट चीज ड्रेसिंग, और एक हमारी चिली गार्लिक डिप, ठीक है, वीवा कंपनी की। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक साइड ब्रेड के ऊपर इस तरीके से चिली गार्लिक को स्प्रेड करना है और एक साइड इस तरीके से ब्लेंड को ड्रेस करना है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं किस क्वांटिटी में मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपको इसको करना क्या, आपको इसको इस तरीके से ऐसे इवनली स्प्रेड कर देना है पूरी ब्रेड के ऊपर, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको ब्रेड के ऊपर इसको स्प्रेड कर देना है इवनली, बराबर से चारों तरफ से चिली गार्लिक डिप, ठीक है। एक साइड ब्रेड पर चिली गार्लिक डिप को हम लगा देंगे और दूसरी साइड ब्रेड पर हम लगा देंगे चीज़ ब्लेंड, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से हमें इसको चीज़ ब्लेंड को हम अपनी दूसरी साइड ब्रेड के ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। अब हम करेंगे इसके अंदर इसकी टॉपिंग। तो दोस्तों जो हमारा ये जो सैंडविच है इसके अंदर बेसिकली दो ही टॉपिंग जाती है, एक हमारी जाएगी कैप्सिकम, इसका नाम है स्पाइसी कॉर्न सैंडविच, ठीक है। तो स्पाइसी जो है वो हमारी चिली गार्लिक से ये स्पाइसी हो जाएगा, और कॉर्न, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, ये बहुत हल्का स्पाइसी होता है, एक हल्का टच देता है स्पाइसीनेस का, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, तो कोई भी इसको खा सकता है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होती है, ठीक है। और टेस्ट में बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ज़बरदस्त लगता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारे को कॉर्न की टॉपिंग कर लेनी है इसके अंदर, और ओरिगैनो, ओरिगैनो स्प्रिंकलर इस तरीके से हमें ओरिगैनो, ठीक है, जो कि VKL कंपनी का आता है ओरिगैनो। आपकी स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा दूंगा कि, ठीक है, कौन सी कंपनी का ये जो पैकेट है। और अब करना क्या है, इसको हमें इस तरीके से इसको कवर्ड कर देना है, ठीक है। और अब जो है हम सैंडविच को कट कर लेंगे दो हिस्सों में, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम इसको सैंडविच को कट कर लेंगे दो हिस्सों में, और अब मैं आपको साथ के साथ इसको जो क्लीन रैप कैसे करना होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लीन रैप इसको कैसे किया जाएगा। करने के लिए आपको चाहिए होगा एक चॉपिंग बोर्ड, ठीक है, चॉपिंग बोर्ड, और ये जो आपका जो क्लीन रैप होता है इसको इस तरीके से हमें ओपन करना है, और सैंडविच को इस तरीके से हम इसको ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा अच्छे तरीके से पैक। और इसको हम ऐसे इस तरीके से नाइफ़ की मदद से कटिंग करके ये हमारा हो जाएगा रेडी। और ये देख सकते हैं हमने इसको कर दिया क्लीन रैप, और इसको अब हम फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, और आप इसको ऑर्डर आने पर निकाल के ग्रिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो तरीका था ये था हमारा स्पाइसी कॉर्न सैंडविच बनाने का। अब मैं, चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको ग्रिल्ड कैसे करना है, ठीक है। अभी जो हमारा जो सैंडविच है ये सैंडविच बन चुका है, अब जो हमारा ग्रिलर है, ठीक है, ग्रिलर को हमें ऑन कर देना है, ठीक है। ये इंस्टेंट हमारा ग्रिलर है, ये तुरंत, ठीक है, ये इंस्टेंट ग्रिलर होता है। इसको ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ऑन करके रखने की जरूरत नहीं होती, जैसे ही आपका ऑर्डर आता है उसी टाइम आपको ऑन करना है, ठीक है। विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर ये जो है आपका सैंडविच जो है वो ग्रिल्ड हो जाएगा प्रॉपरली अच्छे तरीके से, और फिर हम इसको कर देंगे कस्टमर को सर्व, ठीक है दोस्तों। तो जब तक ये हमारा जो सैंडविच है ग्रिल्ड हो रहा है तब तक हम करते हैं थोड़ा सा वेट, और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि इसको किस तरीके से सर्व करना है। तो दोस्तों जो हमने सैंडविच लगाया था, ठीक है, वो हो चुका है प्रॉपरली ग्रिल्ड, ठीक है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से ग्रिल्ड हो चुका है, ठीक है। और अब हम इसको कट कर देंगे दो हिस्सों के अंदर विद द हेल्प ऑफ कटर, ये हमारा पिज़्ज़ा कटर है, इसकी हेल्प से हम इसको कट कर देंगे दो हिस्सों के अंदर। तो दोस्तों ये है इसका सर्विंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये हमारा जो स्पाइसी कॉर्न सैंडविच, इसके साथ दो केचप और दो टिश्यू पेपर आप देखें, ठीक है, इसको इस तरीके से आप करेंगे सर्व, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको ग्रिल्ड करते हैं ना तो जो दोनों साइड की जो म्यूनिस होती है वो एकदम मिक्स हो जाती है वेजिटेबल्स के साथ, ठीक है, और ये एक बड़ा ही अच्छा और एक ज़बरदस्त टेस्ट देती है हमारे जो अंदर की जो फीलिंग होती है। दोस्तों अगर आप अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं और हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पर कॉल करना है, ठीक है। उस नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं किस तरीके से आप हमारे रेस्टोरेंट पर आकर, ठीक है, ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप हमारा रेस्टोरेंट देख सकते हैं, ये हमारा जो फास्ट फूड का सेक्शन है, और उस साइड को ये हमारा चाप का सेक्शन हैगा,
ठीक है। तो जो भी ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं, चाहे चाप की या फिर हमारे फास्ट फूड के सेक्शन की, ठीक है, आप कोई सी भी ट्रेनिंग, 10 डेज़ की हमारी ट्रेनिंग है जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीट सारा काम सिखाएंगे, किस तरीके से एक रेस्टोरेंट के सारी कैसे क्या रेसिपी होती है, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।